नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर आज गैवीनाथ धाम में छठव्रतीय महिलाओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ सफाई में कमी रहने पर छठव्रतीय महिलाओं को हुई परेशानी। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठव्रतीय की भीड़ और तरवाहिनी गंगा घाट में उमड़ पड़ी। वहीं छठव्रतीय महिलाओं ने बताया कि 28 अक्टूबर को कद्दू भात, 29 अक्टूबर को खरना, 30 अक्टूबर को पहली अर्घ, 1 नवंबर को छठ पूजा का समापन हो रहा है। इसी को लेकर अजगैवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान के लिए पहुंचे हैं। कल सूर्य ग्रहण होने पर उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर घर में शुद्धिकरण करते हुए पूजा पाठ करेंगे। वहीं महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर बिहार झारखंड के छठव्रतीय महिलाओं की भीड़ गंगा घाट में अधिक है। 2 साल से कोरोना महामारी होने पर गंगा घाट में छठ पूजा को लेकर भीड़ नहीं पहुंची थी। इस वर्ष कोरोना महामारी खत्म होने एवं कल सूर्य ग्रहण लगने पर गंगा जल लेने पहुंचे हैं। साथ ही मानवाधिकार सेना जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर श्याम सुंदर आर्य एवं मानवाधिकार स्टेट लेवल के मीडिया प्रभारी कुमार मनीष ने बताया कि गंगा घाट में सुरक्षा व्यवस्था एवं सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर छठव्रतीय महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। इस पर जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि छठव्रतीय महिलाओं को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसको लेकर नगर परिषद के कार्यपाल पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर गंगा घाट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था एवं साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर से किया जा रहा है। अंचलाधिकारी शंभु शरण राय के द्वारा गंगा घाट में एनडीआरएफ टीम को लगाया गया है और थानाध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा घाट सहित अन्य जगहों में पुलिस बल, महिला पुलिस बल लगाए गए हैं। भीड़ अधिक होने पर सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखी जा रही है। 3 दिन तक छठव्रतीय महिलाओं की भीड़ गंगा घाट में अधिक होने की संभावना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, जिससे छठव्रतीय महिलाओं को आने जाने में परेशानी न हो। तो क्या मांग करना चाहते हैं ये छठ व्रत? प्रशासन यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था करे और बस, और घाट की सफाई अविलंब कराए। सफाई नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई है अभी तक सफाई। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर श्याम सुंदर आर, मीडिया प्रभारी। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप लोग? कटारा से। तो छठ पर पूजा को लेकर ये तारीख को आप लोग छठ मना रहे हैं? 29 तारीख को पहली है, 29 तारीख का ना, 30 को पहली है, 31 को दूसरा। तो इसी जल लेने के लिए आए हुए हैं? जल लेने गंगा जल। तो इस जल से पूजा पाठ करते हैं? क्या नाम बताए? कहाँ से आए चाची आप लोग? अमरपुर जिला से आए हैं छठ पूजा को लेकर। कहाँ आए हैं? अजगैवीनाथ धाम। तो जल लेने के लिए, तो इस जल का उपयोग क्या चीज में करेंगे? छठ पूजा में। क्या महत्व है गंगा जल का? यहाँ का जो जल लेके जाते हैं, हर साल आते हैं। क्या नाम है आपका? तो इसी जल से पकवान क्या बनाते हैं, क्या बताइए? गोसा देवता का पूजा करते हैं। धीरे धीरे तैयारी जुट रहा है और जुट जाएगा, और पानी भी तेजी से भाग रहा है। और अभी गंगा नहाने वालों के लेकर के कद्दू भात तक मैंने 3-4 दिन भीड़ ज्यादा ही रहेगा, और बाजार में भी ट्रैफिक मैंने तमाम भीड़ है गंगा किनारे। कहाँ कहाँ के लोग सर ये छठ पूजा के लिए पहुँचते हैं? 150 किलोमीटर के दूरी के लोग स्नान करने आते हैं, बाकी तो जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ स्नान कर लेते हैं। और यहाँ प्रशासन व्यवस्था ठीक है और तैयारी में है अपना, और गंगा स्नान कर रहा है। और 30 से 31 तारीख को मैंने 31 तारीख को छठ खत्म हो जाएगा। 30 से है, 29, 30, 31 3 दिन का होता है।
यहाँ के जल से जो सर वहाँ विशेष पूजा छठ पूजा में किया जाए? गंगा जल घरों में ले जाते हैं शुद्धिकरण है, और आज तो भीड़ इसलिए है कि कल सूर्य ग्रहण था, ग्रहण को लेकर के और छठ स्नान को लेकर के सुल्तानगंज में आज लाखों की पब्लिक की स्नान गंगा का स्नान करने का भीड़ है, लाखों की संख्या से ऊपर फन जाएगा, नीचे नहीं है, बहुत भीड़ है और पैर रखने की जगह नहीं है बाजारों में और घाटों पर। इसलिए कारण यही है कि कल ग्रहण था और ग्रहण के लेकर के और छठ पूजा के भी लेकर के दोनों स्नान का टकराव एक साथ हो गया है, इसलिए भीड़ ज्यादा है। धन्यवाद। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल TV News 24x7।